हेलो भाई हो, आप देख रहे हो गाड़ी रिव्यू। मैं हूँ आपका भाई छोटू तिवारी। आज हम देखने वाले हैं टाटा नेक्सन XZ प्लस प्रीमियम पेट्रोल इंजन में। तो फ्रंट से कुछ आपको इस तरह का लुक मिलता है। यदि DRL का बात करें तो एक आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है हाइलोजन में। नीचे आपको एक फॉग लैम्प मिलता है हाइलोजन। कुछ इस तरह इसका आगे से लुक आता है। और आगे का बात करें तो आपको कुछ इस तरह का इसका ग्रिल मिलता है टाटा के लोगों के साथ, और काफ़ी मस्कुलर लगता है देखने में। और इसका कलर का बात करें तो एलिवाज ग्रीन कलर है, ड्यूअल टोन में आता है, एक सिल्वर सोनिक आता है ऊपर में, और ये एलिवाज ग्रीन है। यहाँ पे आपको नेक्सॉन का बैजिंग मिलता है। साइड से कुछ इस तरह का इसका लुक निकल के आता है। साइड से कुछ इस तरह का इसका लुक मिलता है आपको। ऊपर में आपको रूफ रेल मिलता है, शार्प टाइप एंटीना मिलता है। पीछे की तरफ आपको वाइपर देखने को मिलता है। बात करें तो आपको शार्प टाइप एंटीना मिलता है, और आपको यहाँ पे लोकल फॉर वोकल का बैजिंग मिलता है, रियर वाइपर मिलता है, और आपको टाटा का लोगो के साथ नीचे आपको कैमरा देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको नेक्सॉन लिखा हुआ मिलता है। पीछे का बात करें तो आपको पीछे इसमें दो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, और इस पर भी आपको कीलेस एंट्री वाला मिल जाता है जिसको आप खोल सकते हैं। 350 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड आता है। नीचे आपको स्पेयर टायर मिल जाता है, स्पेयर टायर मिलता है आपको स्टील रिम के साथ, और इसमें आपको एक हाइलोजन लैम्प भी मिल जाता है बूट में। और यहाँ पे आप कुछ कैरी करके टांग भी सकते हैं, आपको दोनों साइड देखने को मिल जाता है टांगने के लिए। अब बात आती है अंदर जाने का, तो अंदर जाने से पहले इसका की देखेंगे। आपको की टाटा में कुछ ऐसा ही इसका भी मिलता है, नेक्सॉन का भी लॉक अनलॉक, और ये बूट का है, और ये इससे लाइट का। ड्राइवर साइड डोर का बात करें तो आपको ड्राइवर साइड डोर पे एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। 1 टच पावर विंडो मिलता है ड्राइवर साइड, और यहाँ पे आपको मिरर एडजस्टेबल मिलता है। नीचे की तरफ आपको थोड़ा स्पेस मिलता है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे एक आपको ट्विटर मिलता है। मैनुअल एडजस्टेबल आपको सीट मिलता है, वेंटिलेटर इसमें सीट मिलता है। इंटीरियर का बात करें तो आपको कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर दिखता है। ये साइड आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, वॉइस कमांड मिल जाता है। इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। लेदर फिनिश स्टीयरिंग मिलता है। नीचे की तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। ये साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, इस साइड म्यूजिक कंट्रोल मिलता है, आपको वॉयस कमांड मिल जाता है। हार्मन का आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 7 इंची एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्टिंग। नीचे में आपको नेक्सॉन का यहाँ पे भी बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है, और इसका एसी वेंट काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है एकदम ऑडी के तरफ। 5-6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, और इसमें आपका यहाँ से इकोनॉमी इको सिटी मूड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है जो थोड़ा स्पेस वाला है। आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। कुछ इस तरह आपको रियर मिरर मिलता है, डे नाइट सपोर्टेबल। सनवाइजर का बात करें तो आपको सनवाइजर मिलता है ड्राइवर साइड, इस पर कोई मिरर नहीं मिलता है। वही पैसेंजर साइड बात करें तो आपको पैसेंजर साइड एक मिरर मिल जाता है, इसमें कोई ऊपर की तरफ लाइट नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाता है जो LED है, और यहाँ पे भी आपको एक ट्विटर देखने को मिलता है। ऊपर में आपको ये सनरूफ देखने को मिलता है जो एक आदमी आराम से निकल सकता है, दो के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलता है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, और ये काफ़ी प्रीमियम मेरे को लगता है। पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो इस पर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंस देखने को नहीं मिलता है कुछ। यहाँ पे भी आपको पावर विंडोज मिलता है, 1 टच पावर विंडोज नहीं है। यहाँ पे आपको एक ट्विटर देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, और नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर मिलता है। कुछ इस तरह आपको इसका लुक मिलता है। यहाँ पे भी आपको नीचे की तरफ भी स्पीकर एक देखने को मिलता है। और ग्लव बॉक्स का बात करें तो कुछ इस तरह इसका ग्लव बॉक्स आता है, इसमें भी आप 2 कप होल्डर के साथ आता है, और थोड़ा सा इसमें काफ़ी लार्ज है, काफ़ी लार्ज स्पेस है ग्लव बॉक्स का। और ये ड्यूअल टोन में आता है, ब्लैक और वाइट, और इस पर भी आपको कुछ सिंबल मिलता है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है।
यदि बैक साइड डोर की बात करें तो आपको बैक साइड में डोर पे भी सेम देखने को मिलता है पावर विंडोज और स्पीकर। इस पर आपको इस पर भी आपको मिलता है ट्विटर। इसमें स्पेस का बात करें तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और सीट का क्वालिटी का बात करें तो आपको अच्छा सीट क्वालिटी मिल जाता है, लेदर फिनिश है और लेदर फिनिश है। और इसमें भी आपको एक आर्मरेस्ट देखने को मिलता है दो कप होल्डर के साथ। पीछे की तरफ भी आपको एसी वेंट मिलता है। पीछे की तरफ आपको कोई चार्जर का पोर्ट नहीं मिल सकता है, स्पेस दिया हुआ है, बाहर से लगवा सकते हैं। नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर में आता है, 1.2 लीटर का टर्बो चार्जर के साथ इसका इंजन आता है, जो 118 bhp प्रोड्यूस करता है और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता है। यह 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है, और 3 मोड इसमें और आता है, इको, स्पॉर्ट और सिटी। ऊपर की तरफ इसमें आपको इंसुलेशन देखने को मिलता है, और इसका बोनट काफ़ी ज़्यादा वेट वाला फील होता है, हैवी फील होता है। 17.5 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है हाईवे पे पेट्रोल में। इसमें आपको 7 इंच का हार्बन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्टिंग। और इसका टेगोमीटर का बात करें तो आपको इसमें डिजिटल टेगोमीटर मिलता है, और आपको इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, और टेगोमीटर भी आपको डिजिटल मिलता है, जो RPM मीटर भी बोल सकते हैं उस, और मल्टीमीटर भी आपको इसमें साथ में ही मिलता है, जिसका मोड भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। और इसमें ऊपर की तरफ आपको स्पीड दिखाता है, नीचे की तरफ में आपको फ्यूल दिखाता है कि कितना परसेंट फ्यूल है, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, जो थोड़ा सा क्वाइंस वाइंस आप रख सकते हैं। और एक ग्लोबल एनकैप के थ्रू 5-स्टार रेटेड कार है, और इसमें भी आपको 2 एयरबैग मिलता है, ABS मिल जाता है, EBD मिलता है, BA मिलता है, हील होल्ड असिस्टेंट मिलता है, एवं ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। और इसका लेंथ का बात करें तो 3993 mm लेंथ मिलता है, विड्थ का बात करें तो आपको 1811 mm का विड्थ मिल जाता है। व्हील बेस का बात करें तो आपको 2498 mm का व्हील बेस मिलता है, और हाइट का बात करें तो 1606 mm का हाइट मिल जाता है। अब बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस, 109 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यदि टायर साइज का बात करें तो 215/60/8/16 inch का टायर साइज मिलता है, और आगे की तरफ इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, और पीछे की तरफ इसमें ड्रम ब्रेक मिलता है। इसका बिहार का ऑन रोड प्राइस बताएं तो 13,98,14 lakh के करीब आता है, और एक शोरूम प्राइस बताएं तो नेक्सॉन XZ प्लस डुअल टोन पेट्रोल इंजन का प्राइस आपको एक शोरूम प्राइस आपको 12,77,900 rupees पड़ता है। आप अपने स्टेट इसका प्राइस लगा सकते हैं, हर स्टेट का कोई टैक्स वैक्स जोड़ के 1.5 lakh में आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता है। इस प्राइस रेंज में आप अपने घर 5-स्टार रेटेड कार ले जा सकते हैं, और ये भी SUV है। तहे दिल से रतन टाटा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इंडियन ऑटोमोबाइल में 5-स्टार रेटेड का लत लगाए, और हर गाड़ी अब 5-स्टार रेटेड की कोशिश कर रही है, सेफ्टी रैंकिंग पे काम तो कर रही है सही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। भाई जय हिंद।